बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र के आईटीबीपी गेट नंबर 4 के पास एक दूध के टैंकर ने बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी तथा मौके से भाग गया। इस हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार एक युवक व मृतक दंपति का 3 माह का बेटा इस हादसे में घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करैरा थाना क्षेत्र के ग्राम चंद्रपठा में रहने वाला नरेंद्र पाल, उम्र 28 वर्ष, पुत्र उदयलाल, अपनी पत्नी निराशा पाल को लेने अपनी बुआ के लड़के हरिकिशन पाल निवासी कारेबाह के साथ अपनी ससुराल जराय काली पहाड़ी गया हुआ था। सोमवार की दोपहर नरेंद्र अपनी पत्नी निराशा, बुआ के बेटे हरिकिशन पाल तथा नरेंद्र का 3 माह का बेटा बॉबी पाल बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे। दोपहर लगभग 12:30 बजे जब बाइक करैरा आईटीबीपी गेट नंबर 4 के पास हाईवे मिडडे के सामने के करैरा कस्बे की ओर से जा रही थी, तभी तेज रफ्तार से आ रहे टैंकर ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी। इस हादसे में नरेंद्र और उनकी पत्नी निराशा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार हरिकिशन पाल तथा 3 माह का बॉबी इस हादसे में घायल हो गया। मासूम सहित घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना को अंजाम देने के बाद दूध के टैंकर को आरोपी चालक मौके से लेकर भाग गया। करैरा थाना पुलिस ने दंपति के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। बाइक पर मासूम सहित 4 लोग सवार थे। जिस बाइक में दूध के टैंकर ने टक्कर मारी उस पर 3 माह के मासूम बालक सहित 1 महिला व 2 पुरुष सवार थे। बाइक पर इतनी सवारियां होने की वजह से कई बार सामने से वाहन आने पर बाइक सवार भी उसे संभाल नहीं पाता। इस हादसे के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ और सामने से तेज रफ्तार आ रहे टैंकर के सामने आ जाने से बाइक भी अनियंत्रित हो गई। जिसने यह नजारा देखा उसकी आंखें भी नम हो गई। दुर्घटना के बाद टैंकर चालक तो मौके से फरार हो गया, लेकिन मृतक पति पत्नी को पीएम के लिए ले जाया गया, जबकि उनका 3 माह का जख्मी बेटा उसे भी रिश्तेदारों के द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पूरे मामले पर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइक पर मासूम सहित 4 लोग सवार थे। हादसा गंभीर हुआ है, जिसमें दंपत्ति की मौत हो गई। टक्कर मारने वाले दूध के टैंकर की तलाश की जा रही है, जल्दी उसे भी पकड़ लिया जाएगा। बाइक पर भी इतने लोगों को सवार होकर नहीं निकलना चाहिए। बात कर लेते हैं दोपहर तक की दूसरी बड़ी खबर की, जहाँ रेलवे स्टेशन परिसर में प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पैदल पुल के बगल में बने चबूतरे पर कोई 1 माह की बच्ची को लावारिस अवस्था में छोड़कर भाग गया। ना मिलने पर रेलवे पुलिस ने चाइल्ड लाइन की मदद से उसे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया है। बालिका का स्वास्थ्य ठीक है, उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उसे छोड़ने वाले का अभी तक पता नहीं चला है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रतलाम जीआरपी थाने के एएसआई बचानी लाल व आरक्षक मोहन मंगलवार रात करीब 11:30 बजे रेलवे कॉलोनी की गश्त व चेकिंग ड्यूटी पर थे। वे प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बाहर खड़े थे, तभी धर्मेंद्र निवासी राजीव नगर ने उन्हें आकर बताया कि खंबा नंबर 8 के पास बने चबूतरे पर एक नवजात बालिका कपड़े में लिपटी पड़ी है। बचानी लाल व मोहन तत्काल वहां पहुंचे तथा देखा तो करीब 1 माह की बालिका कपड़े में लिपटी थी। उन्होंने चाइल्ड लाइन के टीम सदस्य जयप्रकाश मालवीय को सूचना दी। आसपास खड़े लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी यह नहीं बताया कि उसे कौन छोड़ गया। इसके बाद वे उसे मेडिकल कॉलेज ले गए तथा वहाँ उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। बालिका स्वस्थ पाई गई है। इसके बाद उसे नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में ले जाकर भर्ती कराया गया है, जहाँ नर्सें व डॉक्टर उसकी देखरेख कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.